आज मैं आपको 12 जुलाई की शिफ्ट वन का पेपर फिजिक्स का रिव्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। पेपर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आया है। एक बार देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो बॉल हैं और पहली बॉल ये है और ये जो पहली बॉल है इसको एच हाइट से ड्रॉप करा जा रहा है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है, और ये फ्री फॉल की कंडीशन है बच्चों। किसी कंडीशन है फ्री फॉल, यानी स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ा जा रहा है और ये नीचे आके गिर जाती है टाइम टी वन में। आगे बोल रहा है कि एक दूसरी बॉल है, इसको टू एच हाइट से, कहां से? टू एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ये भी फ्री फॉल की कंडीशन है, तो टाइम ले रहा है टी टू। तो बोल रहा है टी वन और टी टू दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो फ्री फॉल की कंडीशन में जो टाइम हुआ करता था वो क्या होता है, टी बराबर रूट टू एच अपॉन जी। जी कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, तो बच्चों टी क्या हो जाएगा, रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहां पर जरा देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि टी वन बट्टे टी टू बराबर रूट एच वन बट्टे एच टू, और एच वन कितना है, एच, और ये कितना है, टू एच, ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन टू एच, एच से एच क्या बचा, कितना, वन अपॉन रूट टू आंसर। तो इसका जो आंसर था वन अपॉन रूट टू, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक वायर है, उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, एक वायर है स्ट्रेट वायर, उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया है, और उसकी त्रिज्या यानी इसकी रेडियस आर है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो हमसे सवाल बोल रहा है कि यदि ये त्रिज्या आर, इफ आर ये आर बाय टू हो जाए, यानी इसकी रेडियस अगर आर आधी हो जाए, तो इसके सेंटर पर, यहां इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। बोल रहा है त्रिज्या को क्या कर दो, आधा कर दो। अब जो हो जाएगा त्रिज्या को आधा करने पर बी डैश बराबर म्यू नॉट आई अपॉन टू, अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बाई टू। टू पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू आई अपॉन टू आर, और ये देखो पहले के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा पहले से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा पहले से, अगर उसकी रेडियस आधी कर दी जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल बोल रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन उसने दिया है, गेट का है, मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा ये वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये हमारे पास एक नॉर गेट है, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट है, ये मैं दो इनपुट दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, दूसरा ये आपको आउटपुट दे रखा है वाई। तो बोल रहा है वाई बराबर क्या होगा नॉर गेट के अंदर, तो जो y बराबर क्या होगा, a प्लस बी के ऊपर होल बार, ये आपका आंसर होगा। आसान से सवाल है, बहुत ही आसान लेवल आया है, ठीक है। आगे देखो, चौथा सवाल है कि अगर लाइट ग्लास से एयर में जाए, ग्लास से अगर लाइट एयर में जाती है, इफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, इनटू एयर, तो लैम्डा घटेगा कि बढ़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो ग्लास से कहां जा रही है लाइट, एयर के अंदर, ग्लास से कहां जा रही है लाइट, एयर के अंदर। तो तुम देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का क्या हो जाएगा, एयर से ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन होता है, ये होता है। तो अब देखो म्यू जिसका ज्यादा होगा लैम्डा क्या हो जाएगा, कम, म्यू जिसका ज्यादा हो जाएगा लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। अब एयर का जो एयर का म्यू क्या है, कम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लाइट ग्लास एयर में जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो ऑप्शन में लैम्डा दे रखा था, इसमें आंसर अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि क्या चीज चेंज नहीं होगी जब डेंसर से रेयर में जाए या रेयर से डेंसर में जाए, तो क्या चीज चेंज नहीं होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। एक तो हो गया ये क्वेश्चन, आगे देखो और एक और क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि वर्क आपको जीरो दे रखा है और डेल्टा क्यू घट रहा है, हीट एनर्जी क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी घट रही है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा कि चेंज नहीं होगा, रिमेन्स चेंज, ये हमसे पूछ रहा है। ये सवाल है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। अगर वर्क जीरो दे रखा है और हीट चेंज इन हीट एनर्जी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा रिमेन सेम, ये ऑप्शन थे।
ठीक है। अब देखो हमें पता है डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब वर्क क्या हो गया, जीरो। तो बच्चों डेल्टा क्यू क्या आ गया, डेल्टा यू। अब सीधी सी बात, हमें यह बात क्लियर है कि डेल्टा डब्ल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू क्या आ रहा है, जीरो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। भाई वर्क जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, ये क्या आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन ये होता है, जब डेल्टा यू नेगेटिव है तो ऐसे केस में इंटरनल, अगर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो ऐसे केस में डेल्टा टी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डिक्रीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपके पास अर्थ है, क्वेश्चन बोल रहा था ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का है सेंटर और ये दे रखी है रेडियस आर। तो कितनी हाइट पर जो रेडियस में परिवर्तन आएगा जी डैश, वो जी बाई 16 होगा। कितनी हाइट पर, ठीक है, ऑप्शन उसमें दे रखा था 3R, 4R, 2R, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, याद करो मेरे कॉन्सेप्ट में, मैंने ग्रेविटेशन के अंदर आपको बाकायदा बताया था, ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि देखो ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अर्थ की सरफेस पर कितना होगा, जी। जैसे आप अर्थ की सरफेस से हाइट रेडियस के बराबर जाओगे, हाइट कितना हो इस रेडियस के बराबर, तब कितना परिवर्तन आ जाएगा, जी बाई 4। जैसे आप और रेडियस आर जाओगे तब कितना आ जाएगा, जी बाई 9। और जाओगे तो कितना आ जाएगा, आर रेडियस ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, जी बाई 16। मतलब आप अर्थ की सरफेस से आप आर 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 यानी हाइट कितना जाओगे, 3R, तब जी में परिवर्तन कितना आ जाएगा, जी बाई 16। तो इसका आंसर कितना था, 3R। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला इसका ये होता है, जी डैश बराबर जी 1+H/R का होल स्क्वायर। अब जी डैश कितना दे रखा था, जी बाई 16। तो जी बाई 16 बराबर जी अपॉन 1+H/R का होल स्क्वायर। जी से जी गया, बचा क्या, 1/16 बराबर दैट इज 1/1+H/R का होल स्क्वायर। अब देखो यहां बचेगा 4, रूट लगा दो, ये आ जाएगा 1/4 बराबर, यानी सीधा सीधा देख लो, 4 बराबर 1+H/R, ये क्या जाएगा 1-, यह जाएगा आपका 4-1 बराबर H/R, ये 3R बराबर H। आप फॉर्मूले से भी सीधा सीधा कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो अगला क्वेश्चन ये था कि ये आपको मीन पोजीशन पर, यानी एनर्जी एट मीन पोजीशन इन SHM, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, आप जाइए मेरे SHM के कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको कराया है। यानी मीन पोजीशन पर, यहां ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये माध्य स्थिति है और एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर एनर्जी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वेग, या वेग कितना होता है, जीरो, या भी वेग कितना होता है, जीरो। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और टोटल एनर्जी क्या होती है, कॉन्स्टेंट, क्या होती है, कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी एनर्जी हो जाएंगी मीन पोजिशन पर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सवाल और दे रखा था, ये सीधा सीधा सवाल था कि टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, ये वैल्यू दे रखी थी, सीधा सीधा ये फॉर्मूला में सवाल दे रखा था, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ से, ठीक है। और प्रेशर का यानी दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आया था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, ML T - 2, एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ML - 1 T - 2, ये आ जाएगा आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अगला सवाल एक ये दे रखा था कि आपको ये एल लेंथ की रॉड दे रखी है, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की रॉड दे रखी है, और इसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको हम लेके जा रहे हैं वी वेग से, तो इसका ईएमएफ कितना होगा, इसका ईएमएफ कितना होगा। और वैल्यू आपको गिवन थी सवाल की कि मैग्नेट फील्ड की वैल्यू 0.5 दे रखी है, लेंथ रॉड की 2 मीटर दे रखी है, और वेलोसिटी जिससे हम इसको लेके जा रहे हैं वो 1 मीटर/सेकंड दे रखी है। तो हमें इसका ईएमएफ बताना, तो बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, VLV। और देखो V कितना होता है 0.5, L कितना होता है 2, ये कितना है 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब 1 वोल्ट आएगा, कितना निकल के आएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो एक सवाल और दे रखा है, आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, और हर शिफ्ट का पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है कि आपको एक क्यूलेटर ट्राइंगल दे रखा है, ये इसका चार्ज दे रखा है Q1, ये चार्ज दे रखा है Q2, ये चार्ज दे रखा है Q3, इस तरीके से, और के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको सवाल के अंदर A, ये भी A और ये भी A। अब देखो यहां जो फोर्स हो जाएगा F12, ये दे रखा है F23 और ये आपको दे रखा है F31। हमसे सवाल के अंदर पूछ रहा है
F1 और F23 का रेशियो क्या होगा, जब ये चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3 क्या है, बराबर है सभी, तब क्या हो जाएगा। अब सीधा सीधा हमें बच्चों फोर्स का फॉर्मूला पता होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब ये दोनों सेम दे रखे, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो सीधा सीधा तुम्हें पता है क्या आ जाएगा, 1:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमें दे रखा है कि इफ व्हाट, सवाल है कि यानी 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम, ऑप्शन आपको गिवन थे, घटेगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से। तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक आप जाएंगे, किसी चीज को गर्म करें आप 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, ऐसे समझ लो पानी को आप बॉयल कर रहे हैं, आपने पानी का टेम्परेचर रखा है 0 से 20 के बीच में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा वाटर का, ये हमसे पूछ रहा है। बच्चों देखो यहां एक केस है, अगर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की, तो पानी नाटकबाजी करता है, यानी पानी आपका एनामोलस बिहेवियर शो करता है। उस केस में क्या होता है कि यहां आपका डेंसिटी तो जाता है बढ़ और वॉल्यूम हो जाता है घट, सीधी सीधी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से आप 10, 20, 40, 50, 70, 100 डिग्री सेल्सियस तक, आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऐसे केस में चीज चेंज हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है कम और वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के केस में यहां से यहां तक वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 10, 20, 30, 40, 100 डिग्री सेल्सियस तक ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में आंसर क्या है कि पहले वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है, क्या आपको x बराबर दे रखा है 2t³ - 90² + 12t - 6, बोल रहा है फाइंड टाइम, टाइम आपको बताना है जब एक्सेलरेशन कितना दे रखा हो, जीरो। तो बच्चों देखो dx ओवर dt आप निकाल दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से सीधा सीधा निकाल दो, 3 × 6 = 60² - 9 × 18t + 12, ये क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा, 12t - 18, कितना रख दो ये, जीरो, जीरो बराबर 12t - 18, तो 12t बराबर क्या हो जाएगा 18, t बराबर आ जाएगा 18/12, 3 × 18, 3 × 12, 2 × 6, 2 × 4, यानी टाइम कितना आ जाएगा 3/2 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड। अगला और सवाल दे रखा था हमें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.857 × 10^-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आगे सवाल और दे रखा था कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर पर क्या असर पड़ेगा, पावर घटेगा कि बढ़ेगा, देन पावर पूछ रहा था, पावर माने शक्ति। तो बच्चों में पावर का फॉर्मूला पता है कि पी बराबर क्या होता है, V² / R। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा, कम होगा, सीधी सीधी बात, आपको रिलेशन दिख रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर घटेगा। लेकिन सवाल के अंदर दे रखा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, सही है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टेंस कम करोगे तो पावर क्या जाएगा, बढ़। ठीक है, आगे एक सवाल दे रखा था रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, है ना, ठीक है, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक सवाल था। देखो हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R into A/L, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो रेजिस्टिविटी किस किस बात पर निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी एक तो किस बात पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, पदार्थ का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी, और तापमान, इन बात पर डिपेंड करती है, कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन मतलब एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एक सवाल ये था आपका, किस किस पर डिपेंड करती है, और एक सवाल और दे रखा था उसने कि एसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 ओम, कहां, एसी सर्किट के अंदर, तो डीसी के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों देखो सीधा सीधा केस है, एसी के अंदर आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम, तो हमसे बोला डीसी के अंदर कितना होगा, तो जब बच्चे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ना, क्या जब फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है भाई, एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, डीसी के एसी में आपको रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, डीसी में पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर क्या चीज चेंज होती है, XL और XC चेंज होते हैं, कभी भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस जितना पहले था 5 ओम उतना ही अब रहेगा, ध्यान रखना रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ XL और XC ही चेंज होते हैं। ठीक है, देखो अगला, ये सवाल भी मैंने अपने नोट से कराया हुआ है, आप जाओगे
तो आपको मिल जाएगा। देखो ये सवाल भी मैंने कराया था और यही डिक्टो सवाल छपा है जो मैंने सवाल कराया है। सवाल बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है जब टेम्परेचर बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब रेशियो वेलोसिटी आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, v बराबर गामा आर टी अपॉन एम, यही तो हुआ करता था। अब देखो v क्या हो जाएगा, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा v1 बटे v2 बराबर क्या हो जाएगा रूट टी वन बटे टी टू। टी वन कितना दे रखा है 27, केल्विन में हमेशा निकालना होता है, 27 प्लस 273 कितना बन जाएगा ये 300 अपॉन 327 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 रूट में, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट में 1/2 इसकी वेलोसिटी का अनुपात होगा। आगे हमें दे रखा था एक बीएच कर्व, क्या दे रखा था बीएच कर्व, बीएच कर्व, बीएच कर्व। बच्चों ये जो कर्व है ये हिस्टेरेसिस लूप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है हिस्टेरेसिस लूप की। बीएच कर्व का मतलब हिस्टेरेसिस लूप की हम बात कर रहे हैं, हिस्टेरेसिस लूप की। हिस्टेरेसिस लूप के अंदर क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, तो इसका आंसर क्या था लॉस ऑफ एनर्जी, यानी बीएच कर्व आपको क्या बताता है लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा में हानि। ठीक है, अब देखो एक सवाल और आपको आया था, बहुत आसान सवाल है, उसने बोल रखा है कि दो स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस ए है और एक की रेडियस क्या है बी। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इन दोनों को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, किसी आपस में किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, से वायर से कनेक्ट कर दिया। तो हमसे बोल रहा है इनके चार्ज का रेशियो बताना है Q1 Q2, अगर मान चलो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है तो दोनों के चार्ज का रेशियो आपको बताना है। तो बच्चों एक सीधी सीधी सी बात है, अगर दोनों बैटरी को हमने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है स्फेरिकल कैपेसिटर को, तो ऐसे केस में क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वी क्या हो जाता है बच्चों कांस्टेंट। अब देखो एक गर्म पानी ठंडा पानी है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है जब इसको कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहां क्या हो जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इसका पोटेंशियल V1 इसका पोटेंशियल V2, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू वन बट्टे वॉट आर, आर मतलब आर मतलब ए और ये क्या हो जाएगा के क्यू टू बट्टे बी। ठीक है, तो ये क्या के से के खत्म, ये क्यू वन बट्टे क्यू टू इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा ये ए पॉन बी, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा चार्जेस का ए बट्टे बी, तो आपका आंसर होगा ए बटे बी। तो यही आपके सवाल थे, अच्छे से एंजॉय करो क्वेश्चंस को, और सारी शिफ्ट के क्वेश्चन अभी अभी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी मैं आपको लाने वाला हूं, ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरीके का पेपर आएगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है,